राम राम दोस्तों, हलवाई चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हलवाई चैनल दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए नाचो और चिप्स। दोस्तों नाचो और चिप्स कैसे बनाते हैं और इसके अंदर क्या क्या मसाला आता है और किस सामग्री से ये बनता है, इसकी रेसिपी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एकदम परफेक्ट बताऊंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखें। और हमारे नाचो और चिप्स एकदम खिशमी, आप देख सकते हो एकदम लाजवाब खिशमी चिप्स बने। अगर इसी तरह बनाओगे तो बहुत शानदार आपके चिप्स बनेंगे। नाचो और चिप्स बनाने के दोस्तों यहाँ पर 250 ग्राम मैंने बेसन लिया, ये हीरा बेसन है एकदम बारीक वाला, और 250 ग्राम लूँगा मैं कॉम्प्लोर यानी ये अपना तवकीर पाउडर, और 250 ग्राम मैदा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एकदम बढ़िया से। मैदा, आरारोट और बेसन अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसके अंदर डालेंगे दोस्तों मसाला, स्वाद अनुसार हम डालेंगे इसके अंदर नमक। क्वांटिटीज देखा आप तो 20 ग्राम नमक आ गया, 10 ग्राम काली मिर्ची पाउडर, 10 ग्राम जीरा पाउडर, 10 ग्राम धनिया पाउडर, थोड़ी डाल देंगे इसके अंदर हल्दी एक 5 ग्राम, इससे इसका कलर अच्छा आएगा, और थोड़ा डाल देंगे इसके अंदर हींग। हींग आ गया। आपको अगर पसंद है तो इसके अंदर कांदा और लहसुन बारीक पीस के भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, उसे बहुत अच्छा इसका स्वाद आएगा। और थोड़ा डाल देंगे इसके अंदर अच्छा सा बारीक जीरा एकदम हाथ से मसल के, बीच से 25 ग्राम तेल डाल देंगे, आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत लाजवाब लाजवाब दोस्तों रेसिपी बनने वाली है, नाचो और चिप्स, हॉट चिप्स भी बोलते हैं इसको। पानी डाल के अच्छे से आटा लगा देंगे, मल्ली तैयार कर देंगे हम। आटे को ज़्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कटिंग करेंगे हम, या आप चाहो तो इसको छोटा छोटा बेल भी सकते हो। तो इसी तरह इसकी एकदम टाइट मली लगा देंगे, एक डो तैयार कर देंगे हम। दोस्तों इसके अंदर आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो, चावल का आटा यूज़ करेंगे तो बहुत कड़क हो जाता है, एकदम खस्ता नहीं बनता है। तो हमने ये बेसन और तवकीर पाउडर और मैदा लिया, इसे क्या होता है वेफर से हमारे एकदम अच्छे से खस्ते होएंगे। तो यहाँ पर आटा है दोस्तों हमारा एकदम अच्छे से सेट हो गया है। इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, उसके बाद में इसका नाचो और चिप्स बना के आपको बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों नाचो और चिप्स बनाने के लिए हमारा आटा है वो एकदम सेट हो गया है। अब इसको इस पत्थर के ऊपर हम अच्छे से एकदम पतला लाद देंगे, ये रसोई किचन के लिए हमारा, तो इसको एकदम पतला सा बेल देंगे बढ़िया से। बताया बगर बोले जी, एकदम इसको अच्छे से एकदम पतला बेलेंगे दोस्तों। जितना पतला बेलोगे उतना इस चिप्स हमारा एकदम अच्छा और एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों चिप्स के लिए हमारे जो पट्टी हमने अच्छे से इसको एकदम पतला बेला, ये एकदम पतला पट्टी है दोस्तों। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच की पट्टी ली, इस पट्टी से कटिंग करूँगा मैं। तो पहले मैं एक साइड से ऐसे पूरी कटिंग कर दूंगा, आप चाहो तो इसको हाथ से भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन पट्टी से कटिंग करेंगे पीस है वो हमारा अच्छे से एकदम बराबर बनेंगे एकदम साइज की। तो यहां पर वापिस इस तरह काजू कतली कटिंग कैसे करते हैं उसी तरह इसकी कटिंग करेंगे वापिस।
तो यहाँ पर लाजवाब हमारी काजू कतली कैसे कटिंग करते हैं, उसी तरह की एकदम बढ़िया से डिजाइन वाली हॉट चिप से हमारे वो कट हो रहे हैं, आप देख सकते हो एकदम लाजवाब इसकी। और दोस्तों इसकी तीसरी कटिंग करेंगे हम, तीसरी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो किनारी है वो किनारी किनारी हम ऐसे कोना कोना है वो काटेंगे तो इसका समोसे की तरफ कटिंग हो जाएगी एकदम अच्छे से। यहाँ पर पट्टी रख दी हमने, ये देखिए, और इसको इधर से कटिंग करके ले लेंगे एकदम बढ़िया से। थोड़ा 19-20 होएगा एक दो पीस, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होएगा। अभी दूसरी वापस कटिंग इधर लगाएंगे हम, ये देखिए ये आ गई वापस इधर, एकदम तिरसी कटिंग करेंगे ताकि समोसे जैसा अच्छे से एकदम मस्त कटिंग हो जाए, ये देखिए। तो यहाँ पर ये पीस निकल के आएगा अपना ऐसा, ये देखिए आप एकदम आपको शानदार पीस निकाल के बता देता। इस तरह हॉट चिप्स बन के आपके रेडी होएंगे, तो पूरी कटिंग करते हैं उसके बाद में आगे आपको बताएंगे हम। ले वे तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह हम इसको पूरा निकालेंगे बाहर, और ये देखिए एकदम बहुत शानदार अच्छे से पीस हमारा है वो एकदम बराबर कट के रेडी हो गया है, ये देखिए एकदम पतला पतला सा। और इसको करेंगे तेल के अंदर फ्राई, वो भी हम आपको एकदम परफेक्ट बताएंगे, एकदम नई रेसिपी बहुत शानदार है दोस्तों। ये रेसिपी आपको एकदम हलवाई स्टाइल में मिल रही है, इसकी कटिंग भी बहुत लाजवाब है। अगर आप इसी तरह कटिंग करोगे तो आपके पीस है वो एकदम शानदार बराबर कटिंग होएंगे। और चिप्स के लिए हमारा तेल है वो गर्म हो गया है, तो इसको भी फ्राई करके ले लेंगे। तेल हमारा एकदम साफ है, आपको कढ़ाई की वजह से काला दिखता है। चिप्स डाल देंगे हम अंदर, मीडियम साइज का तेल रखेंगे, तेल ज़्यादा फास्ट नहीं रखेंगे, एकदम मीडियम साइज का रखेंगे। अब इसको हिलाते जाएंगे और इसके अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे एकदम बढ़िया से कड़क। तो यहाँ पर दोस्तों सिप से हमारे वो फ्राई हो रहे और एकदम लाजवाब बढ़िया से फ्राई हो रहे, ये देखिए आप। इसके ऊपर मसाला डालेंगे, ये बहुत शानदार टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एकदम कड़क फ्राई करके ले लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे हॉट चिप फ्राई हो रहे हैं और ये बहुत लाजवाब कड़क भी हो गए। इसको निकाल देते हैं अभी तेल से बाहर, और ये देख आपको दिखा देता मैं एक पीस चेक करने का और एकदम हल्का सा दबाने का, ये पीस है एकदम हल्का सा दबाने एकदम कुरकुरे बन जाएंगे। इसको निकाल देंगे बाहर, इसको निकाल देते दोस्तों एक बर्तन के अंदर बाल अच्छे से तेल झटके। और यहाँ पर हमारे बहुत ज़बरदस्त चिप्स है दोस्तों, अगर इसी तरह आप बनाओगे तो बहुत शानदार आपके चिप्स बनेंगे। अभी दोस्तों डालेंगे इसके ऊपर मसाला। तो यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर गरम गरम के अंदर मसाला डालेंगे, तो हम थोड़ा डालेंगे इसके ऊपर जलजीरा, थोड़ी डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, ये थोड़ा चटपटा होना चाहिए इसी के ऊपर लाल मिर्ची, और थोड़ा डाल देंगे काला नमक स्वाद अनुसार। ये सब चीज़ें नॉर्मल डालें आप, और थोड़ी काली मिर्ची और लौंग। यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे बढ़िया से। तो यहाँ पर दोस्तों ये बन गए हमारे नमकीन चिप्स, और इसकी करची देखिए, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो एकदम क्रिस्पी है, ये देखिए एकदम भूखा हो जाता है। इसी तरह आप ज़रूर बनाए दोस्तों। ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक अगली रेसिपी में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, खाते रहे खिलाते रहे।